नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूजीसी नेट पेपर वन यूनिट नाइन से संबंधित ये लेक्चर मैं बना रहा हूँ। दोस्तों, 2019 टू 2013 के बीच जितने भी प्रश्न यूनिट नाइन जो कि पेपर वन पर्यावरण से संबंधित है, उनके जो भी प्रश्न आए हुए हैं यूजीसी में, मैं उनको आज इस लेक्चर के माध्यम से डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, जो भी छात्र यूजीसी नेट पेपर वन हिंदी माध्यम के छात्र हैं, साथ ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जो भी छात्र यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, वो इस चैनल के साथ जुड़े हर्ष के साथ राज से। दोस्तों, आपको मेरे लेक्चर से अगर कुछ भी परसेंट हेल्प मिल रहा है तो एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आपसे हमारी विनती है। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं। आपको ये लेक्चर पूरी देखनी है। दोस्तों, आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो क्वेश्चन का पैटर्न को समझना बेहद ज़रूरी होता है। तो मेरा इस लेक्चर के बनाने का एक ही मकसद है कि आप प्रारूप को समझें कि क्या पढ़ना चाहिए, किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक अच्छे स्टूडेंट का जो रणनीति होता है, ये इन्हीं रणनीति के रूप से तैयारी करते हैं। तो आपको इन्हीं के तरीके से तैयारी करना है। तो इस लेक्चर में मैं सारे क्वेश्चन जो कि 2019 से 2013 के बीच जो भी फर्स्ट पेपर के पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं वो देखते हैं। तो स्टार्ट करता हूं मैं, ये मैं पीछे से ही चल रहा हूं, जो 2019 में पूछे गए हैं, फिर 18 का देखेंगे, 17, इस प्रकार से हम पूरे क्वेश्चन को करते हैं। तो स्टार्ट करता हूं दोस्तों। तो आप देखिए कि प्रथम जो प्रश्न है पूछा गया है, क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत 37 औद्योगिकृत और यूरोपीय समुदाय के देश द्वारा हरित गृह गैस उत्सर्जन के लिए प्रथम प्रतिबद्धता अवधि क्या थी। तो आप देखिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो इनका जो राइट आंसर होगा, मैं सिर्फ राइट आंसर बताऊंगा, वो थर्ड होगा, जो कि 2008 से लेकर 2012 के बीच। तो आपको 2008 से 2012 के बीच जो है ये 37 औद्योगिकृत और यूरोपीय समुदाय के देशों का द्वारा जो है हरित गृह गैस उत्सर्जन के लिए प्रथम प्रतिबद्धता अवधि क्या थी। तो आपको ध्यान में रखना है, हमको क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ना है। आप सिलेबस जब देखेंगे तो डायरेक्ट उसमें वर्णित किया गया है क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। तो अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक कक्ष दुर्गम शामक रूम डियोडोराइजर्स से पैदा होते हैं। तो ये जो है रूम डियोराइजर्स का कहने का तात्पर्य है कि ये जो कमरा, इसका मतलब होता है कमरा जो है कमरा का दुर्गम, क्या है कमरा का दुर्गम, तो आपको ये बातें ध्यान रखना है। तो इसमें प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा वायु प्रदूषक जो है कमरा का दुर्गम से पैदा होते हैं। तो इनका जो राइट आंसर है फोर्थ है, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक। तो आप देख रहे हैं वायु प्रदूषक से सवाल पूछे गए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है 35, ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित दो कथनों दिए गए हैं और इनको देखना है। तो कथन है कि प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव सामाजिक आर्थिक कारकों पर निर्भर नहीं करते हैं। तो देखिए ये प्रश्न आपको ध्यान से पढ़ना है, कथन कारक के रूप में दिया गया है। तो दिया गया है कि प्राकृतिक जो आपदाओं का प्रभाव सामाजिक आर्थिक कारकों पर निर्भर नहीं करते हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। ये जो कथन है ये गलत है। जब ये गलत हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, चार ए गलत है और आर सही है। तो सेकंड जो तर्क दिया गया है, प्राकृतिक आपदाएं समाज और अन्य समुदायों के लोगों के बीच भेदभाव नहीं करते हैं। तो आपको इस प्रकार से ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है और देखना है कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये सवाल है कि भारत में लगभग कितनी भूतापीय विद्युत की संभाव्यता है। तो ये क्या है, 10 गीगावाट।
कितना है 10 गीगावाट। तो आपको मैं अपने लेक्चर में भी बताया हूँ, देखिए जब ये सब मेन इसमें कीवर्ड क्या है, भूतापीय विद्युत। तो आप देखें क्या सिलेबस में भूतापीय विद्युत दिया गया है, तो दिया गया है, तो उसको उस पर वर्क करना है। तो आपको इसी प्रकार से पढ़ना है। आप जानते हैं कि 2022 तक 175 गीगावाट तक लक्ष्य रखा गया, जिनमें से सब अलग अलग हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे पर्यावरण से संबंधित, उनमें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 45 क्वेश्चन है, इनमें क्वेश्चन है क्या एक्सपोजर्स ऑफ द नॉइज पोल्यूशन कैन काउज। तो नॉइज पोल्यूशन के काउज पूछे गए हैं। तो वीकिंग द इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है, स्लीपनेस को प्रभावित करता है, स्पीच इंटरफ्रेंस होता है, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर को करता है, शिफ्ट इन द थेजर होल्ड ऑफ हियरिंग सुनने में प्रभावित करता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स करता है। तो आपको ध्यान देना है कि ये जो क्वेश्चन है इनके जो आंसर होंगे 2 नंबर होंगे बी सी डी ई। तो जो इम्यून सिस्टम एफ जो है, एफ आप देख रहे हैं एफ नहीं होगा इसमें, ए और एफ नहीं होगा, इसको प्रभावित नहीं करता है नॉइज पोल्यूशन, स्लिपनेस को करता है ये तो हम सभी जानते हैं, स्पीच इंटरफ्रेंस को करता है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर भी करता है, थेजर वर्ल्ड हियरिंग सुनने में तो प्रभावित करता है। इस कारण से इसका जो आंसर होगा सेकेंड होगा, कौन होगा सेकेंड, तो सेकेंड आंसर है। तो आप यहाँ पर देखें कि कीवर्ड क्या है, किसके बारे में पूछा गया, नॉइस पोल्यूशन के बारे में पूछा गया। आप छोटी छोटी बातें पे ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि सिलेबस में ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण दिया गया तो मैं बच्चे में पढ़ा हूँ तो अब नहीं पढ़ूँगा, मैं जानता हूँ, तो इससे आपके ये नज़रअंदाज करने से ही आपको हानि होगी। तो आपको छोटे छोटे चीज़ से ही आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल पूछा गया है कि जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार के कितने राष्ट्रीय मिशन हैं। तो देखिए डायरेक्ट सवाल पूछे गए हैं, तो इनके कितने हैं 8 मिशन हैं। तो मैं अपने भी लेक्चर में इनके बारे में बताया हूं, तो डायरेक्ट सवाल पूछे गए हैं, आपको उनसे सीखना है। देखिए सवाल किस प्रकार से पूछे हैं, सिलेबस से बाहर है ही नहीं। आपको अगर आप सिलेबस ही कर लेते हैं अच्छे तरीके से तो आपके अच्छे स्कोर आ जाएंगे पेपर 1, 2 दोनों में। नेक्स्ट है दोस्तों, तो नेक्स्ट सवाल है, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस ऊर्जा स्रोत का उपयोग विद्युत उत्पादन में ऊर्जा समपरिवर्तन के लिए किया जाता है। तो इसका सेकेंड है वायु। वायु जो है ये है क्या, तो विद्युत ऊर्जा के लिए जो है सम परिवर्तन के लिए किया जाता है। तो आपको ये बातें याद रखना है। तो इसमें कीवर्ड क्या है, विद्युत उत्पादन। आपको यहाँ पर देखें कि विद्युत उत्पादन के बारे में पूछा गया है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। प्रश्न आप क्रमबद्ध रूप से ध्यान से पढ़ना है, तभी सवाल आपके बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार ने 2022 तक छत के ऊपर जो है विद्युत के लिए ऊर्जा पैनल संस्थापन का निर्धारित लक्ष्य रखा गया है। तो इनका कितना है 40 गीगावाट। तो आपको देखिए छत के ऊपर जो पैनल से हमें विद्युत ऊर्जा उत्पादन करना है लगाकर, वो कितना रखा गया है 40 गीगावाट। तो देखिए ये सवाल आपको, अगर ये प्रश्न है तो आप इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए, क्योंकि ये फैक्चुअल प्रश्न है, तो ये आपको डायरेक्ट, क्योंकि रिपीट हो सकता है। और ये भारत सरकार का 2022 में लक्ष्य भी रखा गया, अभी 2022 आया भी नहीं है, तो आपको ये बातें याद रखनी है। नेक्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन है किसी भूगर्भ तापीय आरक्षित में जो है 5×10^19 जूल ताप संग्रहित है, यदि इस आरक्षित के आधार पर जो है किसी भूतापीय विद्युत संचय की कुल क्षमता 0.04 है, तो इस संचय से 1 वर्ष की समय अवधि में कितना विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। तो दोस्तों ये कुछ कैलकुलेशन रूल से है, इसका बनाने का तरीका आसान ही है। मैं ये प्रश्न हमारे से भी गलती हो गई थी, हमसे भी नहीं बना था। तो कुछ प्रश्न ऐसे रहते हैं, इसका ऐसे आंसर जो है अप्रोक्स 63.41 गीगावाट है। तो कुछ प्रश्न ऐसे रहेंगे जो कि आपको टाइम टेकन रहेगा तो आपको स्किप कर देना है, तो ये भी बात आपको ध्यान रखें। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि आपसे वो बनने में लेट टाइम कंज्यूम करेगा, तो आपको उसको, इनको
स्किप भी कर देना है। तो इसका आंसर जो हो गया फोर्थ है आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, ये देखिए करंट से पूछा गया है कि हाल ही में ब्राज़ील में किस जीवाणु के प्रतिजैविक एंटीबायोटिक प्रतिरोधक दिखाई दिया जो पहले ज्ञात नहीं था। तो आपको मालूम होगा ब्राज़ील में जब इबोला चला था तो ये उन्हीं से संबंधित 2018 के ये प्रश्न हैं। तो ये कौन से एंटीबायोटिक थे, तो सेल्मोनेला स्पेसीज। तो दोस्तों अभी आपको किस पर वर्क करना है, तो करोना पर आपको वर्क करना है कि करोना वायरस कहाँ से उत्पत्ति हुई, ये कौन से, इनके क्या लक्षण हैं, लक्षण क्योंकि आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है ये वायरस है कि जीवाणु है, तो आपको ये भी बातें याद रखनी है क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका पर्यावरण पर सकारात्मक मानव प्रभाव है। सकारात्मक मानव प्रभाव है तो संरक्षण का है, वनों की कटाई सकारात्मक प्रभाव है नहीं है, अत्यधिक आबादी भी नहीं है, प्रदूषण तो नहीं है, संरक्षण है। जब हम पर्यावरण का संरक्षण करेंगे तो ये मानव पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। देखिए कुछ अवधारणात्मक रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि आपकी समझ को परखता है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, कथन कारक के बारे में है। ये प्रश्न है, कथन कहता है कि स्टेटमेंट है कि मृदा अपरदन के पर्यावरणीय प्रभाव को केवल निर्माण कार्य के लिए नियत स्थल विशेष से वनस्पति को हटाकर बहुत अधिक कम किया जा सकता है। तो क्या लिखा है कि पर्यावरणीय प्रभाव को केवल निर्माण कार्य के लिए नियत स्थल विशेष से वनस्पति को हटाकर बहुत अधिक कम किया जा सकता है। इनके तर्क क्या दिए जा रहे हैं कि मृदा अपरदन के पर्यावरणीय प्रभाव को समीपवर्तीय क्षेत्रों में वनस्पति में परिवर्तन लाकर भी कम किया जा सकता है। तो दोस्तों ये दोनों कथन जो है, अभिकथन और तर्क दोनों सही है लेकिन एक दूसरे का व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो इनका क्या आंसर होगा, सेकंड, एक दोनों सही है लेकिन परिभाषित नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है कि जल विद्युत ऊर्जा का समाप्त होने वाला संसाधन है। तर्क दिया जा रहा है गिरते हुए जल की शक्ति न तो कम होगी न ही समाप्त होगी। तो इनका कथन एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहा है। तो आपको देखना है वो कि कथन कारक से भी सवाल पूछे जाते हैं, ये नया सिलेबस के माध्यम से ये सवाल सब आए हुए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, जीवन में मृदा जीवन एक आवश्यक संसाधन है क्योंकि इसकी भूमिका इस प्रकार है। तो कथन टाइप से ही दिया है, विकल्प दिए गए हैं। तो पहला दिया है कि यह कार्बन का भंडार है, सही बात है। यह जंतु जगत के निर्मित खाद और ऊर्जा की समृद्धि का माध्यम है, सही बात है। इससे जैविक जो समुदाय को ऑक्सीजन मिलती है, तो आपको ये जो ऑप्शन है गलत है। नेक्स्ट है, यह जल की बड़ी मात्रा का नैसर्गिक भंडार है। तो आप देखिए यहाँ मृदा जीवन के बारे में पूछा गया है, तो जब सी ऑप्शन गलत होते हैं तो आप देखिए कि सी ऑप्शन जब गलत हुआ तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गए और ये। तो राइट आंसर क्या हुआ, ए बी और डी, सी ऑप्शन आपका गलत हो गया है। तो आपको इस प्रकार से प्रश्न लगाने हैं दोस्तों। सेकंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि अंततः वायु प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा है। नेक्स्ट है, तर्क दिया गया है कि अंततः पर्यावरण में वायु प्रदूषक का विसर्जन अपेक्षाकृत सीमित होता है, तो सही बात है और इनकी जो सही व्याख्या भी किया जा रहा है, ए आर दोनों सही है और ए आर का सही व्याख्या है। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत में नदियों में जो निम्नलिखित में से किसको प्रदूषण का प्रमुख स्रोत माना जाता है, तो अघोषित जो है वाहित मल है, जो कि हमारा दूषित मल है जो घर उर से निकलता है, वो सबसे ज़्यादा प्रमुख स्रोत माना गया है नदी के प्रदूषण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छी क्वेश्चन है कि भारत में कुल विद्युत उत्पादन में इनके योगदान के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा स्रोतों को सही क्रम पहचानिए। ताप विद्युत है तो संयंत्र है, विशाल जल विद्युत परियोजना है, फिर परमाणु ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा है जिसमें सौर ऊर्जा है, वायु ऊर्जा, जैव मात्रा,
और लघु जल विद्युत परियोजना सम्मिलित है। तो इनके जो आंसर होंगे, सर्वप्रथम जो कि सही क्रम में है आपको कुल उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में, तो सबसे पहले क्या होगा, ताप विद्युत से हो रहा है यहाँ पर। उनके बाद देखिए विशाल जल विद्युत परियोजना हो रहा है आरई। फिर नेक्स्ट है रिन्यूएबल एनर्जी मतलब नवीकरणीय ऊर्जा से हो रहा है। फिर नेक्स्ट है लास्ट जो है पर्यावरणीय ऊर्जा से हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है 3 आंसर इनका होगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि प्राकृतिक विपदाओं के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका निश्चित प्रारंभ और अंत नहीं होता है, तो सूखा का है। सूखा का जो प्रारंभ और अंत, ये प्राकृतिक आपदा है, इनका नहीं तो प्रारंभिक होता है और निश्चित प्रारंभ और अंत भी नहीं होता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि ताप विद्युत संयंत्रों में उत्पादित फ्लाई ऐश एक पर्यावरण हितैषी संसाधन है जिसका जो किसमें उपयोग किया जाता है। तो आप देखिए कीवर्ड क्या है, फ्लाई ऐश, और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। तो फ्लाई ऐश से पर्यावरणीय हितैषी संसाधन है जिसके बारे में उपयोग किया जाता है। तो आप देखेंगे इनका आंसर जो है सभी है, सूक्ष्म पोषक के रूप में कृषि में किया जाता है, बंजर भूमि के विकास में होता है, बांध और जल धारण संरचनाओं में होता है और ईट उद्योग में होता है। तो फ्लाई ऐश क्या है, आप मेरे वीडियो लेक्चर देखें पर्यावरण में, मैं उनके बारे में बताया हुआ हूँ। नेक्स्ट है दोस्तों 31, तो प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने के निम्नलिखित का प्रभाव पड़ता है, तो कौन कौन से प्रभाव पड़ेंगे। तो आप देखेंगे कि भूमि उपयोग में परिवर्तन होगा, निश्चित होगा, जल निकास और निर्माण होगा, निश्चित होगा, और जलवायु परिवर्तन होंगे, ये नहीं होता है, सी नहीं होता है। तो अगर एलिमिनेट करते हैं आप, सी गलत है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, और फोर्थ नंबर भी गलत है। तो आपको इस प्रकार से प्रश्न, कुछ प्रश्न एलिमिनेट करने होंगे, आपके सवाल आसानी रूप से बन जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों 36, इनमें कहता है निम्नलिखित ऊर्जा ईंधनों में कौन सा ईंधन पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल है, तो हाइड्रोजन है, बायोगैस नहीं है, सीएनजी नहीं है, एथेनॉल नहीं है, हाइड्रोजन है। इसका राइट आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन। जो ऊर्जा ईंधनों में कौन सा ईंधन पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल है, तो हाइड्रोजन है, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी प्रदूषक गैस प्राकृतिक रूप से और औद्योगिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप दोनों से उत्पन्न नहीं होते हैं, तो सी एफ सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये क्या है, ये जो है प्रदूषक ऐसे हैं कि गैस प्राकृतिक रूप से और औद्योगिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप दोनों से उत्पन्न नहीं होते हैं, सीएफसी, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रश्न है कि शहरी क्षेत्रों में ऐसे वायु प्रदूषक को चिन्हित कीजिए जिनसे मनुष्य की आँखों और श्वसन नली में जलन होती है, तो वो क्या है, सहती ओजोन जो है, ओजोन। हम जानते हैं कि हमारे पृथ्वी के ऊपर जो समताप मंडल में ओजोन परत है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन जब हमारे स्थल मंडल में ओजोन होते हैं तो वो हमारे लिए घातक होते हैं। तो आपको याद रखना है, मैं इनके बारे में बताया हुआ हूँ, आप पूरे लेक्चर को देखेंगे तो ज़रूर आपको मालूम अच्छे तरीक़ा से हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत की बड़ी बड़ी नदियों में जल प्रदूषण का निम्नलिखित में सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो अभी आपने देखा कुछ दो प्रश्न के पहले ये प्रश्न पूछे गए थे कि जल प्रदूषण का जो प्रदूषण होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो यही था असंसाधित मल जल। तो मल जल से ही बड़ी बड़ी नदियाँ जल प्रदूषित हो रही है, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है दोस्तों संपोषक विकास, जो हम जानते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का लक्ष्य जो निर्धारित किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, तो हम सभी जानते हैं कि इनके 17 लक्ष्य हैं जो कि 2030 तक पूरे करने हैं। आपको 17 लक्ष्य याद रखने हैं क्योंकि आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं कि 5th लक्ष्य क्या है, 6th लक्ष्य क्या है, तो आपको एक कदम आगे चलना है। एग्जामिनर का जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है उन्हीं को समझना है, मेरा लेक्चर ये बनाने का कतई मतलब नहीं है कि आपका समय को मैं बर्बाद करूं, लेकिन आप बहुत सारे स्टूडेंट यही पहचान नहीं पाते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। प्रश्न से ही प्रश्न बनते हैं, तभी आपको सफल होने में कोई नहीं रोक सकता है, तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है दोस्तों कि वर्ष 2022 तक बायोमास
से विद्युत उत्पादन हेतु सरकार का लक्ष्य रखा गया है, बायोमास से कितना रखा गया है 2022 तक, तो 10 मेगावाट रखा गया है, आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट दोस्तों, इन सब प्रश्नों को आप डायरेक्ट याद कर लें, ये सब प्रश्न क्या है, फैक्चुअल है, आपको डायरेक्ट याद कर लेने कि बायोमास से विद्युत उत्पादन में सरकार कितने लक्ष्य रखेंगे, 10 मेगावाट रखे गए हैं। एसडीजी का लक्ष्य कितने वर्ष तक है, तो 2030 तक। इसमें टोटल लक्ष्य कितने हैं, 17 लक्ष्य है। कौन कौन से लक्ष्य हैं, ये सब आपको याद करने होंगे, डायरेक्ट प्रश्न से आते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि अभिकथन है कि हमारे मृदा संसाधनों का संरक्षण मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है, क्योंकि मृदा, ये तर्क दिया गया है कि मृदा कई सूक्ष्म जीवों का वास है और इसमें खनिज भी है, तो ये प्रश्न दोनों सही हैं, एक दूसरे का व्याख्या तो नहीं कर रहे हैं, तो इनका क्या आंसर होगा, बी ऑप्शन सही आंसर है इनका। जो आप देखेंगे कि हमारे मृदा संसाधनों का संरक्षण मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, और कहता है कि मृदा कई सूक्ष्म जीवों का वास है और इसमें खनिज है, देखिए इन पर कोई व्याख्या नहीं हो रहा, दोनों कथन सही है, कथन और तर्क दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे हैं, तो बी क्या हुआ, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन कि ग्रामीण घरों में नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण के स्रोत हो सकते हैं, कौन कौन स्रोत हो सकते हैं, तो वो देखते हैं कि फर्स्ट है धूम्र निकास की सुवाधिता गैस चूल्हा होगा, क्या इससे नाइट्रोजन ऑक्साइड का स्रोत है, लकड़ी चूल्हा, मिट्टी तेल, तो इनके आंसर ए बी सी, तो सभी आंसर हैं, इन सभी से नाइट्रोजन जो है ऑक्साइड प्रदूषण होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस प्रदूषक के कारण मानव को कैंसर हो सकता है, तो कीटनाशक के कारण, किससे होगा, कीटनाशक के कारण होगा, तो आपको याद रखने हैं, पारे से नहीं होगा, ओजोन से नहीं होगा, सीसा से भी नहीं होगा, तो किस प्रदूषण के कारण मानव को कैंसर हो सकता है, तो कीटनाशक के कारण हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि जनसंख्या नियंत्रण, ये कथन और तर्क पर आधारित प्रश्न है कि जनसंख्या नियंत्रण के उपायों से अनिवार्य रूप से पर्यावरण ह्रास को रोकने में मदद नहीं मिलती है, बिल्कुल सही बात है, तर्क दिया जा रहा है कि जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरणीय ह्रास के बीच इनका जो संबंध जटिल होता है, बिल्कुल सही है, और ये इनका सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित कौन सी घटना प्राकृतिक खतरा नहीं है, कौन सी प्राकृतिक घटना नहीं है, तो रासायनिक संप्रदूषण जो है प्राकृतिक घटना नहीं है, अभी हाल ही में आपने चेन्नई में भी देखा, आंध्र प्रदेश में देखा कि कोई भी उद्योग धंधे से जो रासायनिक विस्फोट हो जा रहे हैं, आप जानते हैं कि एक आपदा पहले भी आई हुई थी, तो आपको ये हमें याद नहीं है, लेकिन जो उद्योग धंधे से कोई प्रदूषण फैल जाता है तो वो प्राकृतिक खतरा नहीं माना जाता है, तो आपको ध्यान में ये बातें रखनी है, रासायनिक संप्रदूषण जो है ये प्राकृतिक खतरा नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों कि राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति जो है, नीति आपको ये बातें याद रखना है कि राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति भाग के रूप में भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा को संस्थापित क्षमता को कहाँ तक बढ़ाने की योजना है, तो ये रखा गया है आपके 350 गीगावाट तक रखा गया है 2030 तक, तो नवीकरणीय ऊर्जा जो है ये 2030 तक भारत का जो लक्ष्य रखा गया है 350 गीगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस देश में प्रति व्यक्ति जल उपयोग अधिकतम है, तो वो यूरोपीय यूनियन का है, किसका है, तो यूरोपीय यूनियन का है। नेक्स्ट है दोस्तों कुल वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड जो है उत्सर्जन में भारत का योगदान कितना है, तो अप्रोक्स 6% है, आपको ये बातें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है दोस्तों एक प्रश्न है कि दो भूकंप जो है ए और बी रिएक्टर स्केल का क्रमशः 5 से 6 परिणाम आए, तो उत्सर्जित ऊर्जाओं का अनुपात लगभग कितना होगा, तो अप्रोक्स 32 होगा, तो ये थोड़ा अनुपात रूप में पूछ दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है, तो कैलकुलेशन मेथड है, तो कुछ प्रश्न मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ प्रश्न आपको समझ के प्रे रहेंगे, थोड़ा टाइम टेकन होगा, बन तो जाएगा,
तो आपको ये बातें भी ध्यान रखना है, आप स्किप करके निकल सकते हैं आगे। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन नवीनकरणीय प्राकृतिक संसाधन प्रकट करता है? तो वो है कौन है, मछलियाँ, उर्वरक मृदा और ताज़ा जल। ये क्या है जो नवीनकरणीय प्राकृतिक संसाधन प्रकट करते हैं, ये सब नहीं करते हैं। स्वच्छ वायु, फास्फेट, जैव विविधता, प्राकृतिक गैस, ताज़ा जल, उर्वरक मृदा, तेल, वन, ज्वार। तो कौन करता है, मछलियाँ, उर्वरक मृदा और ताज़ा जल जो है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर है कि मछलियाँ और उर्वरक मृदा और ताज़ा जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में हाल ही में प्रारंभ किए गए वायु गुणवत्ता सूचकांक में निम्नलिखित में कौन सा प्रदूषण सम्मिलित नहीं किया गया? देखिए आप यहाँ कीवर्ड देखिए, नहीं किया गया, किसके बारे में पूछा गया है कि वायु गुणवत्ता का जो सूचकांक जारी हुआ है वो कौन से पदार्थ हैं, कौन से प्रदूषक हैं जो कि उनको नहीं ऐड किया गया है उस सूचकांक में? तो CFC है। कौन है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि पर्यावरण पर मानवविधिक क्रियाओं का प्रभाव निर्धारित करने में कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो वो कौन सा है, तो आप देखिए, आप हम सभी जानते हैं कि जनसंख्या जो होगा, लेकिन जनसंख्या प्रति व्यक्ति धनाढ्यता और संसाधनों का दोहन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी। तो राइट आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव उत्पत्ति संबंधी जो है स्रोत में कौन सा गैसीय प्रदूषक तत्व क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वायु में है? तो वो कौन है, फोम उद्योग जो है ये क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायु में ये विराजमान है, गैसीय प्रदूषक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के संदर्भ में सही क्रम पर पहचानिए। तो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड किस देश का होता है, उनके बाद कौन है? तो सबसे ज़्यादा है पहले चीन, तब USA है, फिर भारत है। तो भारत का स्थान क्या है, 3 नंबर पर है, और लास्ट जो है रूस है। तो आप इस प्रश्न से अब आगे क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का कार्बन डाइऑक्साइड में उत्पादन में उत्सर्जन में कौन सा स्थान है? तो आपको लगाना है 3rd स्थान है। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को। विश्व जनसंख्या 11 जुलाई को। विश्व ओजोन एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को, और ओजोन दिवस 16 सितंबर को। तो आपको याद रखनी है पर्यावरण से भी रिलेटेड कि जल प्रदूषण कब, सॉरी पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, मैं अपने लेक्चर में बताया हुआ हूँ, आपको ये बातें याद रखना है। दोस्तों चक्रवात हुदहुद उस समय का ये प्रश्न है, तो करंट से पूछ दिया गया था। चक्रवात हुदहुद जो है किस राज्य से के तट से टकराया है? तो आंध्र प्रदेश। तो आपको याद रखना है कि वर्तमान में अगर रिसेंट में कोई चक्रवात किसी राज्य से टकराया है तो वो भी बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीनकरणीय प्राकृतिक स्रोत नहीं है? देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, प्राकृतिक स्रोत नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो नमक जो है वो नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीनकरणीय प्राकृतिक स्रोत नहीं है, तो स्वच्छ वायु है कि उर्वरक मिट्टी है, ताज़ा पानी, ये सब हैं, लेकिन नमक जो है ये नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन कि ताज़ा जलाशयों में जैविक प्रदूषण का प्राथमिक स्रोत है कौन सा है? देखिए ये प्रश्न 3 बार रिपीट हो गए हैं, 3 टाइम्स। तो आपको देखिए सवाल, एक प्रश्न कैसे रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखें, प्रत्येक चैप्टर पढ़ने के बाद उस चैप्टर से संबंधित प्रश्न को खोजें। तो ये मल जल का बाह्य स्राव जो है तो ये प्रदूषण है, ताज़ा जलाशयों में जैविक प्रदूषण का प्राथमिक स्रोत यही है, C नंबर। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन, लहर एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें भारी मात्रा में सामग्री का उद्भेदन होता है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऐसा नहीं कि ज़बरदस्त हवाएं चलेगी, जल की बलवती लहरें उठती है, ज़बरदस्त हवाएं और बलवती लहरें उठती है, तो इनकी क्या आंसर होगा? तो भारी मात्रा में सामग्री का उद्भेदन होता है लहर से, लहर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी वायुमंडल में लघुत्तम समय तक ठहरती है, सबसे कम समय तक ठहरती है? तो वो कौन है, तो मीथेन है, CH4।
मेथेन। आप जानते हैं कि इनका कहाँ से निकलता है, धान के खेत से, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया की समस्या से संबंधित सर्वाधिक व्यापक उपागम है, तो यह है वाटरशेड विकास उपागम। तो आपको ये बातें याद रखना है क्योंकि ये फिर से रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, तो इनका आंसर क्या होगा, वाटरशेड विकास उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि शहरी क्षेत्रों में प्रदूषणकारी गैस कार्बन मोनोऑक्साइड CO का प्रमुख स्रोत क्या है, तो बाह्य परिवहन क्षेत्र, जो हमारे गाड़ी छकड़े से, जो ट्रकों से, बाइक से, इन सबों से जो प्रदूषण निकलता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो है प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है कि ईंधन बैटरी चालित जो वाहन में ऊर्जा किसके दहन से प्राप्त होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि ईंधन जो है आपके कौन से कहाँ से निकलते हैं, तो हाइड्रोजन से है। कौन से कहाँ से निकलेंगे, सॉरी, ये जो ईंधन बैटरी चालित वाहन में ऊर्जा किसके दहन से प्राप्त होता है, तो हाइड्रोजन से होता है। तो दोस्तों आपने इस लेक्चर में पर्यावरण से रिलेटेड सभी प्रश्न को देखा। ये 2019 दिसंबर से लेकर 2013 तक के सभी प्रश्न इसमें थे। तो दोस्तों आप प्रश्न का प्रारूप देखिए, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मेरा मकसद आपसे यही है कि आप समझ विकसित करें और किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं कि बहुत दिन लग गया लेकिन एग्ज़ाम नहीं निकल रहे हैं, तो आपके तैयारी में कहीं ना कहीं खामियां है, आपको ये बातें समझनी होगी। दोस्तों एक टीचर का एक, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, आप मुझे टीचर ने, आप हमारे दोस्त हैं, तो मैं दोस्त के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि आप इस रूप को, प्रारूप को समझें, कोई भी टॉपिक पढ़ें, उनसे संबंधित प्रीवियस ईयर के प्रश्न लगाने हैं। आपको कोई भी कोचिंग संस्था अगर प्रश्न दे रही है उस पर अभी पहले नहीं जाना है, पहले आपको अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने हैं। इनके बाद जब प्रीवियस ईयर 10 times आप रिपीट कर लिए, उनके बाद आपको कोई मॉक लगाने हैं, कोई कोचिंग, अदरवाइज आपको सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक ही देखने हैं। तो दोस्तों आपको मेरा लेक्चर कैसा लग रहा है? दोस्तों हिंदी माध्यम से जितने भी छात्र हैं आप मेरे चैनल से जुड़ें। दोस्तों आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर करें, आपसे हमारी यही विनती रहती है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे मैं आगे और अच्छे अच्छे वीडियो लाऊँगा, आपसे मेरी यही उम्मीद रहती है। तो दोस्तों आप तैयारी करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।